आज सुबह संतोष नगर नर्सरी गार्डन में मैं अवले वक्त आया, जो पिछले संडे भी आया था। यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ देखते हुए मैंने यह सोचा कि अल्हम्दुलिल्लाह 2023 का आज लास्ट डे है, कल सुबह से 2024 इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है। तो मैं यहाँ आके जितने भी सीनियर सिटीज़न योगा कर रहे थे उनके लिए मैट का, योगा मैट का इंतज़ाम कराए हैं। और उसके साथ साथ चूँकि ठंडी काफ़ी ज़्यादा भी रह रही सुबह अवले वक्त, तो डिंगरी का भी इंतज़ाम किए हैं। और उसके साथ साथ बाजू जो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं उनको फुटबॉल दिया गया है, और तमाम टी शर्ट्स डंगरी दिए गए हैं। जो बच्चे शटल खेल रहे हैं उनको शटल का रॉकेट दिया गया है, शटल काग दिया गया है। ये सब चीज़ स्पोर्ट्स एक्टिविटी सुबह सुबह आके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नखीब मिल्लत की सदारत, नखीब मिल्लत की क़यादत के अंदर मेरे साथ में एरिया कारपोरेटर जनाब मुजफ्फर साहब और तमाम मजलिस के ज़िम्मेदार यहाँ पर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ख़ुद इतनी खुशी हो रही है, यहाँ पर एक्टिविटीज़ के अंदर काफ़ी लोग, चाहे वो मेरे बुज़ुर्ग हो, नौजवान हो या बच्चे हो, तमाम के तमाम सुबह अवले वक्त आ रहे हैं। कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई शटल खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई योगा कर रहा है। योगा के लिए यहाँ पर ख्वातीन भी योगा कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उनके लिए भी मैटों का इंतज़ाम किया गया है। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स एक बेहतरीन चीज़ है, फिटनेस के लिए इंसान को बहुत ज़रूरी है, अपने आप को फिट रखना है। तो सुबह सुबह कोई ना कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि याखुदपुरे के अवाम के अंदर अवले वक्त उठने की एक तो आदत हो जाए, और दूसरी चीज़ फजर की नमाज़ के बाद में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए हम लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है, और इंशाल्लाह धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी कामयाबी मिलेंगे। मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा ताकि लोगों को यहाँ पर आके अवेयरनेस ले आए और यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इजाफा हो। आज जो जो लोग यहाँ पर मौजूद थे मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले संडे से ये संडे अगर देखते हैं तो काफ़ी तादाद बढ़ी हुई थी। उम्मीद करता हूँ दूसरे भी ग्राउंड्स है वहाँ का भी इंशाल्लाह हम लोग विज़िट करेंगे, दूसरे ग्राउंड्स के अंदर भी वहाँ पे भी एक्टिविटीज़ में इजाफा करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।